subscribe our channel and hit the bell icon to get the latest update of your world. दोस्तों नमस्कार, मैं दीपक कुमार तोमर और कहां हम कहां तुम की अपडेट को लेकर हाजिर हूं, जहां पर आपको बता दें कि बीते ट्रैक में आप सभी ने देखा होगा कि कैसे रोहित और सोनाक्षी एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते हैं, जहां पर राइमा सदमे में चली जाती है यानी कि कोमा में से वो बाहर आती है और उसके बाद वो सोचती है कि ये मेरे साथ क्या हुआ, कि सोनाक्षी ने रोहित पर कब्जा कर लिया है। लेकिन रोहित और सोनाक्षी मिलकर उसे समझाते हैं और वो सुमित के घर मिलती है, जहां पर सुमित भी राइमा को समझाने की कोशिश करता है और राइमा समझ जाती है। और फिर उसके बाद राइमा सुमित के साथ मिलकर एक प्लान बनाती है। अब देखना यह है कि क्या उस प्लान के मुताबिक सोनाक्षी रोहित को राइमा और सुमित मिलकर कोई नुकसान पहुंचाएंगे या फिर जो उन्होंने किया है वो सही किया है। वैसे रोहित और सोनाक्षी का रिश्ता पक्का कर दिया है, राइमा ने दोनों को एक दूसरे के हाथ पकड़ा दिया है, जहां पूरी फैमिली के सामने उसने ये कह दिया है कि रोहित और सोनाक्षी एक होंगे और इनकी शादी जल्द से जल्द होनी चाहिए, जहां पर पूरे परिवार यानी कि सोनाक्षी के परिवार वाले भी और रोहित के परिवार वाले भी इस रिश्ते के लिए मान गए हैं। तो दोस्तों अब आगे कहानी काफी दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि कहानी के अंदर और भी करण जो सोनाक्षी का एक्स बॉयफ्रेंड है उसकी भी एंट्री हो चुकी है। वो देखना है कि उसका क्या कदम है। वैसे वो रोहित से पैसे भी ले लेता है और फिर वो गोली भी मार देता है, जहाँ पर सोनाक्षी का अब अगला कदम होगा क्या, देखना काफी दिलचस्प। क्योंकि सोनाक्षी रोहित के सामने आएगी तो वो सच पता चलेगी, तो वो करण के खिलाफ क्या कदम उठाएगी, ये देखना काफी दिलचस्प होने वाला है। तो दोस्तों कहानी के अंदर जो भी रिपोर्ट्स होगी उसके अपडेट को लेकर आप सभी फैंस के बीच एक बार फिर हाजिर होंगे हम। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और साथ ही साथ सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा चैनल 24x7 ऑनलाइन न्यूज की रिपोर्ट। Subscribe our channel and hit the bell icon to get the latest update of your world.